टर्मिनल 3 से पास में आप देख सकते हैं, यहाँ से आप गुड़गांव जाते हैं टर्मिनल 3 पास में, और मौसम कुछ यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आप जयपुर निकल सकते हैं। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का तो है ही, और ये लाइटिंग की हुई है, ये लॉबी है, इसके पास में ही आप होटल पैराडाइज इन, ये गाड़ियाँ जा रही है, ऊपर से भी जा रही है गाड़ियाँ, ओवर ब्रिज बिजी है काफ़ी, यहाँ से सीधा गुड़गांव निकलता है। ये लॉबी होटल इसलिए अच्छी है, रूम से आपके वाईफाई भी लगा हुआ है और नेटवर्क नहीं आता है, पर मेन बात ये है कि नेटवर्क नहीं आता है, और स्टाफ पूरा उत्तराखंड का है। आपको चलिए मिलाते हैं कुछ स्टाफ से, बढ़िया खाना भी बढ़िया था, स्टाफ से मिलाते हैं आपको, लिफ्ट भी लगी हुई है। मैं चंपावत, चंपावत में कौन सा का बोला? रीठा साहब। इनका बहुत अच्छा लगा होटल वेस में, पूरा उत्तराखंड का स्टाफ है, चंपावत से, पिथौरागढ़ से, और कहाँ कहाँ से? चंपावत, पिथौरागढ़, टेहरी, पौड़ी, टेहरी, उत्तराखंड, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं भी उत्तराखंड के लोग भी बढ़िया है, देवभूमि है, तो आइए कभी भी होटल वेस में रुकिए और खाना इन्जॉय कीजिए, है ना? थैंक यू सर। बाहर से ये होटल वेस, आगे भी बहुत सारी होटल है, लिंक होटल, तो आपको जो समझ में आया, ये बाहर से लग रहा है होटल वेस का। इसके यहाँ पर आपको फार्मेसी भी मिल जाएगी 24/7, मटर पैराडाइज, बहुत सारी चीज़ें। ये होटल भी यहाँ का स्टाफ पूरा बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पूरा उत्तराखंड का है, चंपावत का, लोहाघाट का, पिथौरागढ़ का, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। होटल बैठने के लिए सीटिंग दी हुई अच्छी, स्टाफ खाना बनाता है बढ़िया, मिरर मिल जाएगा, टेबल है, और बैग थोड़ा मैसी है, टीवी मिल जाएगी आपको, ये कबट है, और जग है पानी गर्म करने के लिए, मिरर है, ऐसे स्टैंड है, चेयर है, और एक वार्डरोब है, गीजर है, और टी स्टैंड, शावर लगा हुआ है। ये देखिए कपिल भाई ने क्या होटल कराया है, होटल वेव्स, फाइव स्टार होटल, टीवी भी अवेलेबल है आपको, और ये भाई साहब भी घूम रहे हैं, मस्त मजे ले रहे हैं ना भैया, है भैया, ऐसी भी लगी हुई थी। गीजर भी लगा हुआ है, निकल भाई आपके